बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बैठ जा भाई माननीय कांसी राम साहब को नमन करते हुए आदरणीय धन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज साझा विलासन बताओ सम्मेलन के संयोजक आदरणीय शरद यादव जी, मंच पर उपस्थित माननीय श्री मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री उपस्थित राहुल गांधी जी, जनाब गुलाम नबी आजाद जी, प्रोफेसर राम गोपाल जी, चौधरी जैन जी, माननीय सीताराम मोबाइल वालों को बुला लो सर आगे उपस्थित माननीय सीताराम मंजूरी जी, श्री प्रकाश राम अम्बेडकर जी, श्री बीला राय जी, श्री बाबूलाल मांझी जी को मुख्यमंत्री झारखंड, डॉक्टर मनोज झा जी, माननीय सुरेंद्र राय जी तृणमूल कांग्रेस से, जनाब तारिक अहमद जी एनसीपी से मंच पर बैठे हुए सभी जिम्मेदार नेता आज हमारे आदरणीय नेता बहन मायावती जी को कई प्रोग्राम पहले से ही लगे थे, उन प्रोग्रामों को आगे नहीं बढ़ा पाई, इसलिए वो यह नहीं आ पाई। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं सम्मेलन में शामिल हुआ हूँ। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ है और पूरे देश में खन विश्वास करती है। सांप्रदायिक तत्वों को कमजोर करने के लिए हमारी पार्टी तत्पर है। आज हमारी पार्टी हमारे लिए आदरणीय धन कुमारी मायावती परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के सिद्धांतों पर चलकर बहुजन समाज में जन्मे संतों को महापुरुषों के सिद्धांतों पर चलकर माननीय कांतिराम साहब के सिद्धांतों पर चलकर जैसा कि बाबा साहब ने नारा किया था कि भारत के अंदर सत्तामूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए। सत्तामूलक का मतलब सब समाज में भाईचारा कायम होना चाहिए। आज हमारे लिए आदरणीय धन कुमारी मायावती जी बहुजन साथियों, अभी जो मेरे से वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं ओ भाई साहब उन्हें दोहराना नहीं चाहूंगा। माननीय सर जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज यह सम्मेलन आरम्भ किया है एकता को मजबूत करने के लिए। आज जो हमारे नेताओं ने जो विचार व्यक्त किए हैं, जो भी बातें बताई हैं, मैं उन्हीं सभी बातों को अपने नेता आदरणीय धन कुमारी मायावती के संज्ञान में लाऊंगा। इसी के साथ फिर मैं शरद जी का और मंच पर बैठे सभी नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।